हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शंस के बीच में डिफरेंस, ओके। और इनके हमने टाइप्स देखे थे, इनके एग्जांपल्स हमने किए थे, ओके। एक दो एग्जांपल हमने करके देख लिए थे। आज हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग हम करते कैसे जावा के अंदर। अगर हमारे पास कोई एक्सेप्शन आ रही है, हमें कोई एरर आ रहा है, तो उनको हम सोल्व कैसे करेंगे, उनका हैंडल कैसे करेंगे, ओके। तो एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए हमारे पास यहाँ एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, ओके। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास वे ट्राई, कैच, फाइनल थ्रो एंड थ्रोज, ओके। इन सभी वेज को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में हम करेंगे सबसे पहले ट्राई एंड कैच, ओके। ट्राई कैच को हम कैसे यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे इनका यूज करते हैं, आज की वीडियो हम पढ़ते हैं ये चीज। सो अगर आप मेरी वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, सो प्लीज यार जल्दी से जाओ और मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, ओके। अब करते हैं हमारा टॉपिक स्टार्ट, ओके। सो ट्राई कैच क्या है और ट्राई कैच का हम यूज कैसे कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक एग्जांपल कराया था जिसमें हमने इंट ए लिया था जिसकी वैल्यू थी 10 और इंट बी लिया था जिसकी वैल्यू थी 0, ओके। और सी लिया, उसमें हमने किया ए डिवाइड बाई बी। ये करने के बाद हमारे पास हमने लास्ट में क्या प्रिंट करा दिया, सी को प्रिंट करा दिया था। इसमें क्या है, ट्राई कैच यहाँ पर क्या है, ट्राई ब्लॉक में हम क्या देते हैं, ट्राई ब्लॉक में हम डालते हैं वो कोड जिसमें हमें डाउट होता है कि इसमें एरर आ सकता है या फिर इसमें एक्सेप्शन आ सकती है, ओके। वो कोड हम लिखते हैं ट्राई ब्लॉक के अंदर, ओके। सो इसका एक बार हम देखते हैं सिंटेक्स क्या है और इसको हम कैसे यूज करते हैं, ओके। जैसे हमारे पास ये है ट्राई कैच का, ओके। इसमें क्या है, स्टार्टिंग में हम लिखेंगे इसमें ट्राई, ओके। देन हम लिखेंगे इसमें कैच ब्लॉक। कैच ब्लॉक के अंदर क्या आएगा, वो स्टेटमेंट आएगी जो हमें एक्सेप्शन की जगह पे प्रिंट करानी है, फिर एक्सेप्शन प्रिंट कराने वो स्टेटमेंट हमारी आती है कैच ब्लॉक के अंदर, ओके। जिसको हम हैंडलिंग कोड भी बोल सकते हैं। इस स्टेटमेंट को हम यहाँ पे एक और चीज बोल सकते हैं, स्टेटमेंट बोल सकते हैं या फिर हम इसको रिस्की कोड बोल सकते हैं, ओके। रिस्की कोड बोल दिया और इसको हम क्या बोल सकते हैं, हैंडलिंग कोड, ओके। हैंडलिंग कोड का मतलब क्या है, जिस कोड से हम इसको क्या कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, ओके। जो भी एक्सेप्शन आएगी उसको हम यहाँ पे हैंडल करेंगे कैच ब्लॉक के अंदर। ट्राई ब्लॉक के बाद हमेशा हमारे पास क्या आएगा, कैच ब्लॉक। जब भी हम ट्राई ब्लॉक का यहाँ पर यूज करेंगे उसके बाद हमें किसका यूज करना होता है, कैच ब्लॉक का, ओके। सो अब एक दो एग्जांपल्स का हम करके देखते हैं और इनको हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे इनका यूज करेंगे, ओके। और यहाँ पे मल्टीपल कैच ब्लॉक का भी हम यूज पढ़ेंगे कि मल्टीपल कैच ब्लॉक हम कैसे यूज करते हैं और यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको मैं एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर क्या है, जैसे मैं यहाँ पे एक इंसर्ट करता हूँ एक सर्कल, ये मेरे पास एक सर्कल है, ओके। ये यहाँ पे मैंने सर्कल लिया, ये सर्कल यहाँ पर क्या है, ये सर्कल यहाँ पर क्या है, इस सर्कल में हमें क्या डिफाइन कर रहे हैं, जब भी हमारा क्या होगा, ये जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, ये हमारे पास कोड है, इसमें क्या है, जो ये मेथड है मेन, जो हमारे पास मेथड है, अगर इसमें कोई भी यहाँ पे एक्सेप्शन आती है तो ये क्या करेगा, जो मेथड है यहाँ पर, ये क्रिएट करेगा एक ऑब्जेक्ट, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। ऑब्जेक्ट वो कौन है, ये सर्कल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ओके। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या करेगा, जब भी हमारे पास किसी मेथड के अंदर अगर किसी भी कोड के अंदर यहाँ पे एक्सेप्शन आती है, किसी भी मेथड के अंदर एक्सेप्शन आती है, तो वो क्या करेगा, उसी टाइम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या स्टोर होगा, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या स्टोर होगा, सबसे पहले स्टोर होगा एक्सेप्शन नेम, ये हमारे पास एक्सेप्शन नेम है जो सबसे पहले यहाँ पे स्टोर होगी। देन इसके बाद हमारे पास क्या स्टोर होगा, इसके बाद हमारे पास स्टोर होगा डिस्क्रिप्शन, जो हमारा क्या है, जो यहाँ पर एक्सेप्शन आ रही है उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन स्टोर होगा, ओके। ये डिस्क्रिप्शन होगा। थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या आएगा, इसमें स्टैक ट्रेस। स्टैक ट्रेस क्या है, यहाँ पर स्टैक ट्रेस का मतलब है जो भी हमारा कोड है इसमें जैसे यहाँ पे एरर आ रहा है, तो ये स्टैक ट्रेस क्या करेगा, हमें ये बताएगा कि यहाँ पे कौन सी लाइन में यहाँ पे एरर आ रहा है, कौन सी लाइन में एक्सेप्शन आ रही है, वो बताएगा स्टैक ट्रेस, ओके। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अंदर ये तीन चीजें हमारे इनिशियलाइज होगी और ये स्टोर किस में होंगी, ये स्टोर होगी इस ऑब्जेक्ट के अंदर। ये हमारे पास क्या है, ये रेफरेंस होता है, हम रेफरेंस एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जो कि क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट का रेफर हमें प्रोवाइड कराएगा। जैसे मैं यहाँ पे ई ले रहा था, ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, ए भी ले सकता हूं, कुछ भी ले सकता हूं मैं यहाँ पर।
सो अब हम इनके एक दो एग्जांपल्स करके देखते हैं कि हम इनको कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे इनका यूज कर सकते हैं। ओके तो एक एग्जांपल मैं आपको कराता हूं जिसमें हमें क्या करना है, एक एरे क्रिएट करेंगे, एरे के अंदर हम उनकी वैल्यूज देंगे। ओके और किसी भी वैल्यू के ऊपर हम जीरो से उसको डिवाइड करके देखें, या फिर यूजर से हम इनपुट लेंगे कि हम उसका इंडेक्स, यूजर से हम लेना चाहें कि उसके इंडेक्स वैल्यूज क्या क्या है, या फिर उसका साइज क्या है, लेंथ क्या है, वो हम यूजर से लेके देखते हैं कि हम उनका कैसे यूज कर सकते हैं और उनमें हम एरर देके देखेंगे। जैसे हमारे पास एक एक्सेप्शन थी, जब एरे का साइज जो था उसे या ज्यादा हम कोई वैल्यूज ले लेते थे तो हमारे पास एक एक्सेप्शन आती थी, वो क्या थी, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ये भी हम करके देखते हैं हम इनका कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे इनको क्रिएट करेंगे। एक न्यू क्लास मैं क्रिएट कर लेता हूं यहां पर और इसको नाम देता हूं मैं ट्राई कैच डेमो। ट्राई कैच डेमो के नाम से मैंने क्लास ले ली, सिलेक्ट एंड फिनिश। ओके ये मेरी क्लास यहां पे क्रिएट हो गया आ चुकी है। अब मैं यहां पे इस लाइन को हटा देता हूं। तो अब मुझे अगर यूजर से इनपुट लेना, तो यूजर से इनपुट लेने के लिए सबसे हम पहले हम करते हैं इंपोर्ट स्कैनर क्लास को, java.util.scanner। ओके ये स्कैनर क्लास है हमारी, इंपोर्ट हो चुकी है। अब मैं यहां पे क्रिएट करता हूं स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट, ये मैंने ऑब्जेक्ट भी यहां पे क्रिएट कर दिया है। अब हमारे पास सबसे पहला यहां पर क्या काम है, मुझे यहां पर क्या करना है, मुझे एक एरे क्रिएट करना है। एरे के अंदर यूजर से इनपुट लूंगा मैं। ओके एरे क्रिएट करने के लिए हमारे पास, एरे जब हम क्रिएट करते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में लेते हैं हम डेटा टाइप, डेटा टाइप ले लिया मैंने और उसका नाम नाम दे देते हैं, एरे के नाम से नाम दे दिया मैंने, ARY के नाम से नाम दे दिया। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना है, 1D एरे क्रिएट करना है। ओके सो अब मैं लेता हूँ न्यू कीवर्ड एंड अगेन यहाँ पे डेटा टाइप और यहाँ पे मैं दे दूंगा उसको जो एरे की लेंथ है वो, यहाँ पे जैसे मैं 4 ले लेता हूँ। ओके ये मेरा एरे जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यूजर से इनपुट लूंगा पहले, एक यूजर से इनपुट क्या लूंगा, यूजर से यहाँ पे इनपुट ले लेता हूँ एंटर पोजिशन टू इंसर्ट वैल्यू इन एरे, ये मैंने यहाँ पे मैसेज पास करा दिया। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा इंट POS के नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ और उसके अंदर मैं इस वैल्यू को स्टोर करा दूंगा POS से, यहाँ पर जो मुझे यहाँ पे वैल्यू लेनी है, जिस भी इंडेक्स पर मुझे वैल्यू स्टोर करानी है वो है POS में, एक वेरिएबल लिया मैंने वैसे ही। ओके अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, दो इनपुट और ले लेता हूँ, दो इनपुट क्या लेता हूँ, एंटर फर्स्ट नंबर और इसको स्टोर करा देता हूं इंट ए में। ओके ये मैंने फर्स्ट वैल्यू ले ली और मैं एक और वैल्यू ले लेता हूं यहां पर, एंटर सेकंड नंबर, इसको मैं स्टोर करा देता हूं सेकंड वैल्यू इंट बी नाम से वेरिएबल में, इंट बी नाम का वेरिएबल लिया और उसमें स्टोर करा दी मैंने ये वैल्यू। ओके और ये मेरे पास क्या हुआ है, मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले एक वैल्यू ली जिसमें मुझे क्या करना है, एरे के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करानी है, वो मैंने यहाँ पे वैल्यू ले ली और यहाँ पर मैंने क्या किया, दो यहाँ पे वेरिएबल ले लिए। ये भी मैं आपको बताऊंगा क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या करना है, यूजर से इनपुट लेके ए और बी को डिवाइड करना है। अगर ए और बी अगर जीरो आता है यहाँ पे, अगर अर्थमेटिक एक्सेप्शन आती है तो मुझे वहां पर क्या करना है, मुझे वहां पे एक्सेप्शन देनी है, ट्राई कैच का यूज करूंगा। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास लास्ट क्लास का एक कोड है। ओके जब ये मैंने लास्ट क्लास में यहाँ प्रोग्राम कराया था आपको, इसमें क्या कर रखा है, मैंने जो इंट ए और इंट बी है इनको यहाँ पे अंदर ले रखा है ट्राई ब्लॉक के अंदर। क्या मैं इनको बाहर ले सकता हूँ, मैं कट करके इसको ट्राई ब्लॉक के बाहर ले सकता हूँ, जो मैंने ट्राई ब्लॉक से पहले अगर मैं इनको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ तो ये क्या प्रोग्राम चलेगा। आप अभी इस वीडियो को पॉज करो और मुझे कमेंट में बताओ कि प्रोग्राम रन होगा या नहीं होगा, या क्या एरर आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, वो मुझे अभी कमेंट में बताओ। ओके सो सेव करके आप रन करके देखते हैं। सो जैसे ये पहले रन कर रहा था, जो इसने पहले यहाँ पे आउटपुट दिया था वही आउटपुट अब इसने दिया है, क्योंकि क्या होता है ट्राई ब्लॉक के अंदर हम वो कोड लिखते हैं जिसमें हमें डाउट होता है, जिसमें हमें ये लगता है कि एक्सेप्शन आ सकती है, उस कोड को हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। तो इसी चीज के लिए आपको क्या करना होता है, ट्राई ब्लॉक के अंदर कम से कम कोड लिखना होता है। ओके कि मैंने क्या किया, इंट ए और इंट बी को मैंने बाहर डिफाइन कर दिया कि यहाँ पे मैं डिफाइन कर सकता हूं इसको, अगर अंदर करूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये मेरा पूरा कोड है, अगर इस पूरे कोड को भी मैं अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर लेता हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये रन करेगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। लेकिन हमें क्या करना होता है, ट्राई ब्लॉक के अंदर कम से कम कोड का यूज करना होता है, क्योंकि क्या करेगा, जब भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो पूरे को ट्राई ब्लॉक पूरे को चेक करेगा, हमारा जो एग्जीक्यूशन की स्पीड है वो यहाँ पे स्लो हो जाएगी। इसलिए हमें क्या करना होता है, ट्राई ब्लॉक के अंदर कम से कम लाइंस का यूज करना होता है, जिस भी लाइन के ऊपर हमें डाउट होता है सिर्फ उसको ही हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लेते हैं। ओके सो ये एक्सेप्शन भी आपको मैंने बता दिया है। अब हम हमारे प्रोग्राम पर आते हैं। अब इसमें क्या है, ये जो प्रोग्राम है,
अगर इस प्रोग्राम के अंदर मैं क्या करता हूँ, ये मैंने यहाँ पे वैल्यू ले ली, अब मैं यहाँ पे ट्राई ब्लॉक क्रिएट करता हूँ एक, और ट्राई ब्लॉक के अंदर मैं क्या देता हूँ, यहाँ पर ट्राई ब्लॉक स्टार्ट किया मैंने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन लिया, और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ किसको, ए और बी को, डिविजन, और इसमें कॉन्कैटिनेशन का यूज करके ए डिवाइड बाय बी मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। ओके, ये मैंने दे दिया इसमें, और अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर सिस आउट, इसके अंदर मैं क्या प्रिंट करा दूंगा, एंटर न्यू वैल्यू। एंटर न्यू वैल्यू क्या है, इसमें जो भी यहाँ पे POS में वैल्यू पास होगी, अगर यहाँ 4 के बीच में यहाँ पे 0, 1, 2, 3 कोई भी वैल्यू पास होती है, उसी इंडेक्स पे हम यहाँ पे वैल्यू स्टोर करा देंगे। ओके, और ये इस वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को कहाँ पर स्टोर करूंगा, मैं इस वैल्यू को स्टोर करूंगा जो ARY के नाम से एरे है, और उसका इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, इंडेक्स वैल्यू होगी POS जो मेरा वेरिएबल है -1, क्योंकि क्या होता है, अगर जो भी वैल्यू यहाँ पे दी, अगर इसने 1 वैल्यू दी तो हमारी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, 0। ओके, सो 1-1=0, ऐसे हमारी इंडेक्स वैल्यू है। अगर आपने इंडेक्स वैल्यू का नहीं पता, आपको ये नहीं पता है कि मैं यहाँ पे n क्यों ले रहा हूं, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, और बाकी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इनका लिंक दे दूंगा जिन वीडियोस में मैंने आपको ये समझा रखा है जो n है वो हम यूज क्यों कर रहे हैं और इंडेक्स वैल्यूज क्या होती है, एरे का टॉपिक क्या है, वो मैं आपको लिंक दे दूंगा इसमें, आप उन वीडियोस को भी एक बार देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। अब इसको मैं स्टोर करा देता हूँ sc.nextint की हेल्प से इसके अंदर। ओके, सो मैंने इसमें क्या किया, दो चीजों का यूज किया है। फर्स्ट यहाँ पे किया है ए डिवाइड बाई बी का यूज, और सेकंड मैंने इसमें यूज किया है एंटर न्यू वैल्यू, जो कि मैंने क्या किया, एरे के अंदर यहाँ पे वैल्यू स्टोर कराई है। तो यहाँ पर क्या हुआ, दो एरर आ सकते हैं। फर्स्ट हमारा एरर आ सकता है, अगर वैल्यू देता है कोई भी 5 और 0 दे दी, तो हमारा फर्स्ट जो एरर आ सकता है वो आ सकता है एक्सेप्शन, वो आ सकता है हमारे पास अर्थमेटिक एक्सेप्शन। सो यहाँ पर दो एक्सेप्शन आ सकती है, क्योंकि मैंने यहाँ पे दो फंक्शन पे काम कराया है। फर्स्ट मेरा है ए डिवाइडेड बाई बी, अगर यहाँ पे ए की वैल्यू 5 दे दी और बी की वैल्यू 0 दे दी, तो यहाँ पे फर्स्ट एक्सेप्शन मेरी आ सकती है अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ओके, और यहाँ पर क्या, अगर जो इंडेक्स वैल्यू वो गलत दे देता है, तो यहाँ पर क्या होगा, इंडेक्स वैल्यू अगर गलत दे देता है तो उस टाइम पर क्या होगा, मेरे पास सेकंड एक्सेप्शन यहाँ पे आ सकती है। सेकंड एक्सेप्शन मेरे पास यहाँ पर क्या है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये तो मेरे पास एक्सेप्शन आ सकती है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, तो यहाँ पर यूज करता हूँ कैच ब्लॉक का, कैच ब्लॉक इसमें मैं देता हूं अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ओके, और इसको मैं स्टोर करा देता हूं एक वेरिएबल, मैं यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल देता हूँ, ई दे देता हूँ। ओके, रेफरेंस वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो, ई भी ले सकते हो, ई भी ले सकते हो, मैंने ई ले लिया। ओके, और इसके अंदर मैं आके यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं प्रिंट करा देता हूँ अर्थमेटिक एक्सेप्शन, अगर मेरे यहाँ पे आ रही है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ, ओके यू कांट डिवाइड बाय 0, अगर हमारा क्या है, अगर ये 0 से डिवाइड करा तो यहाँ पे ये मैसेज पास हो जाएगा। ओके, और आप ये भी सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पे यूज करा था कल किसका, एक्सेप्शन का यूज किया था, सिर्फ एक्सेप्शन क्लास का यूज किया था, और आज मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्लास का। ओके, सो ये क्या है, ये जब मैंने यहाँ पे कोड कराया था, यहाँ पर मैंने यूज कर रखा है एक्सेप्शन क्लास का। एक्सेप्शन क्लास क्या है, यहाँ पर पेरेंट क्लास है जितनी भी एक्सेप्शन हमारे पास है उनकी। ओके, सो जो भी एक्सेप्शन यहाँ पे है उनकी पेरेंट क्लास है एक्सेप्शन। अगर यहाँ पे एक्सेप्शन लेते हैं हम, तो ये सभी जितनी भी क्लासेस उनको चेक करेगा। ओके, एक्सेप्शन क्लास के अंदर सभी क्लासेस को चेक करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एग्जीक्यूशन जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। और हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे यूज करना होता है इन सब क्लासेस को, जो यहाँ पे हमें पर्टिकुलर पता है कि ये एक्सेप्शन आ सकता, तो हम यूज करेंगे उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन को। ओके, मैंने यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन का यूज कर लिया। वैसे ही मैं क्या करता हूँ, एक कैच ब्लॉक की और क्रिएट कर लेता हूँ कैच, और इसमें मैं ले लेता हूँ एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ओके, और इसमें भी मैं ले लेता हूँ ई नाम का एक रेफरेंस वेरिएबल। ओके, और इस ब्लॉक के अंदर मैं आके क्या करूंगा, इसमें मैं प्रिंट करा देता हूँ ई को, जो ई यहाँ पे क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है। ओके, सो ये मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अब मैं इसको सेव करके रन करके देखता हूँ। सो यहाँ पे क्या, फर्स्ट इसने मांगा है इनपुट मेरे से, इनपुट में मैं क्या देता हूँ, इसमें मैं यहाँ पे देता हूँ 3 दे देता हूँ, थर्ड पोजिशन में मुझे वैल्यू चाहिए है। एंटर फर्स्ट नंबर, इसमें मैं देता हूँ 5 और सेकंड में देता हूँ 2। ओके, डिवीजन आया यहाँ पे 2, क्योंकि यहाँ पे 2.5 आया है, हमने इंट वैल्यू ले रखी है तो इसलिए 2 आया है।
और एंटर न्यू वैल्यू इसने दे दिया, एंटर न्यू वैल्यू मैं दे देता हूं यहां पर 5। तो ये क्या हुआ है, यहाँ पे जो टू इंडेक्स है सेकंड इंडेक्स पे यहाँ पे वैल्यू स्टोर हो गई 5। अगर मैं इसको अगेन सेव करके रन करता हूं और मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूं, अब मैंने जैसे 6 दे दी, इंडेक्स यहाँ पे कितने है, लेंथ कितनी इसकी 4 है और मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी 6। ओके सो 6 मैंने वैल्यू दी, इसने फर्स्ट मेरे से वैल्यू मांगी है, मैं देता हूँ 5 और सेकंड देता हूँ 0। तो यहाँ पे क्या हुआ, कांट डिवाइड बाय 0, यहाँ पे जो फर्स्ट जो कैच ब्लॉक है यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है। एग्जीक्यूट होने के बाद इसने क्या किया, जो आगे का जो कोड था उसको यहाँ पे नहीं एग्जीक्यूट करा है, टर्मिनेट कर दिया इस कोड को यहाँ पे। ओके सो इन चीजों के लिए हम यूज करेंगे फाइनल थ्रो, बाकी ये भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि हम इनका कैसे यूज कर सकते हैं। ओके और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक लाइन और प्रिंट करा देता हूँ, मैं यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ हेलो। ओके हेलो प्रिंट कराता हूँ, सेव करके रन किया। अब वैसे ही मैं इसमें वैल्यू दे देता हूँ, मैं 3 दे दी जैसे, और मैंने यहाँ पे दे दिया 5 एंड 2 दे दिया, और एंटर न्यू वैल्यू 6 दे दिया। और यहाँ पे क्या हुआ, टर्मिनेट नहीं हुआ है, जब भी ये कोड बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रन हो रहा है। ओके सो यहाँ पे लास्ट जो लाइन है वो प्रॉपर तरीके से इसने एग्जीक्यूट कराई है। अगर यहाँ पे कहीं भी एरर आ रहा है, कहीं भी यहाँ पे एक्सेप्शन आ रही है, तो आगे का जो कोड है वो यहाँ पे आगे नहीं चलेगा। ओके जैसे मैं क्या करता हूँ, अगेन इसको रन करता हूँ। ओके सो मैंने ट्राई कैच ब्लॉक ले रखा है। ओके इसको अगेन रन किया, मैंने यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ 6, और यहाँ पे भी 6 दे दिया मैंने, और यहाँ पे दे दिया 0। सो यहाँ पे क्या हुआ, यू कांट डिवाइड बाय 0। ओके यहाँ पे इसने जो ये कैच ब्लॉक है इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कराया, और उसके बाद यहाँ पे क्या किया, हेलो को प्रिंट करा दिया। अगर मैं यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक का यूज नहीं करता, तो जो आगे का कोड है, जो ये कोड था उसको ये एग्जीक्यूट नहीं कराता, उसको ये आगे टर्मिनेट कर देता। ओके सो ये हमारे पास ट्राई कैच ब्लॉक का यूज है और इसके इंपोर्टेंस है। अब हमारे पास आता है कि हम ये ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर यहाँ पे मैसेज पास करा रहा हूं, मैं यहाँ पे ई ले रहा हूं, इसकी जगह पे हम कौन कौन से मेथड्स का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके सो मेथड्स आपको भी बता देता हूं, मैंने आपको मल्टीपल जो कैच ब्लॉक है वो भी आपको यहाँ पे बता दिया है। ओके यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास है प्रिंट स्टैक ट्रेस। ओके ये आपको मैं बताता हूँ एक बार, मैं आपको तीनों डिफाइन कर देता हूँ, हमारे पास जो जो मेथड्स है उनको डिफाइन कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे इनका यूज है और कैसे इनको हम यूज कर सकते हैं। देन है हमारे पास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। ओके प्रिंट मैंने किया, और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ई को जो है उनको मैं प्रिंट करा सकता हूँ। ओके और इसके साथ हमारे पास है एसओपी, और इसके बाद हम मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ई डॉट टू स्ट्रिंग, ये भी हमारे पास एक मेथड है। ओके थर्ड हमारे पास क्या मेथड है, थर्ड हमारे पास है एसओपी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूं, ई डॉट गेट मैसेज। ओके ये हमारे पास तीन मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारी एक्सेप्शन हैं उनके जो डिस्क्रिप्शन है उनको हम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट यहाँ पे है प्रिंट स्टैक ट्रेस, इसमें क्या है, जब भी हम प्रिंट स्टैक ट्रेस का यहाँ पर यूज करेंगे, सो यहाँ पर क्या होगा, ये तीनों चीजें यहाँ पर प्रिंट होगी, एक्सेप्शन नेम भी प्रिंट होगा, डिस्क्रिप्शन भी प्रिंट होगा, और स्टैक ट्रेस भी यहाँ पे प्रिंट होगा। ओके ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ यहाँ पर। ओके प्रिंट स्टैक ट्रेस में हम ये तीनों चीजें यहाँ पे प्रिंट होगी। वैसे ही हमारे पास क्या है, जो एसओपीई है और एसओपीई डॉट स्ट्रिंग है, इसमें क्या होगा, स्टैक ट्रेस जो है वो यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा, ये दो चीजें जो है डिस्क्रिप्शन और एक्सेप्शन नेम, ये दोनों चीजें यहाँ पे प्रिंट होगी। वैसे ही हमारे पास है एसओपी डॉट गेट मैसेज, इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ जो डिस्क्रिप्शन है, जो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर प्रिंट होगा। ओके ओके सो आई होप आप इनको समझ गए होंगे, प्रिंट स्टैक में क्या प्रिंट होगा, प्रिंट एसओपी में क्या होगा, और e.string में क्या होगा, और get message में क्या प्रिंट होगा। ओके इनका मैं एक एक एग्जाम्पल और लेके बता देता हूँ आपको। ओके सो हमारे जो लास्ट जो क्लास में मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल करा था उसको एक बार यूज कर लेते हैं। इसमें मैं ये जो लाइन है इनको मैं एक बार यहाँ पे कमेंट कर दिया मैंने। ओके सिर्फ मैं यूज करता हूँ 10 और 0 जो है उसको, यहाँ पे डिवाइड का जो प्रोग्राम है वो ये। ओके सो इनको यूज करता हूँ। अब मैं कैच ब्लॉक में, सो यहाँ पे जो लाइन यहाँ पे मैंने प्रिंट करा रखी है, ये मैसेज मैंने यहाँ पे पास करा रखा है, इसके जगह पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट स्टैक ट्रेस का यूज करता हूँ। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी भी क्लास या मेथड को यहाँ पे कॉल कराते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले लेते ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मेरे पास ई,
ऑब्जेक्ट का नाम ले लिया, डॉट का यूज करेंगे और इसमें क्या करेंगे, प्रिंट ट्रेस को यहाँ पे यूज करेंगे। प्रिंट स्टैक ट्रेस का मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, सेव करके अब रन करता हूं। सो यहाँ पर क्या हुआ है, ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। पहले यहाँ पे इसने प्रिंट करा दिया ये लाइन, ओके, ये इसने सारा कुछ यहाँ पे पास करा दिया। यहाँ सबसे पहले दे दिया इसने यहाँ पे एक्सेप्शन का नाम, और यहाँ पे फिर डिस्क्रिप्शन दिया, और यहाँ पे फिर उसने स्टैक ट्रेस दे दिया, ओके, कि कहाँ पर मेरा एरर है 12th लाइन में। जो ये 12th लाइन है यहाँ पर मेरा एक्सेप्शन है, ओके, ये इसने यहाँ पे स्टैक ट्रेस भी दे दिया। अब ऐसे ही मैं यहाँ पे यूज करता हूं, मैं इसको एक बार कमेंट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर यूज करूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसमें मैं प्रिंट करा देता हूँ ई को, ये मैंने ई यहाँ पे प्रिंट करा दिया है। और इसमें मैं क्या करूंगा, ई डॉट टू स्ट्रिंग, इसका यहाँ पे यूज करूंगा मैं, टू स्ट्रिंग हमारे पास ये है, इसको यहाँ पे यूज करता हूँ, ओके, इन दोनों का यहाँ पर यूज करता हूँ। तो सेव करके अब रन करता हूं मैं इस लाइन को भी एक बार कमेंट कर देता हूँ, ओके, इस लाइन को भी मैंने कमेंट कर दिया। अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले इसने क्या बताया मेरे को, डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर नेम जो है एक्सेप्शन का, वो दोनों चीजें यहाँ पे इसने यहाँ पे बता दी है। ई का मतलब भी वही है और ई डॉट टू स्ट्रिंग का भी यहाँ पे एक ही मतलब है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। इनको भी कमेंट कर देता हूं। अब इसके बाद हमारे पास आता है लास्ट, जो हमारे पास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ई डॉट गेट मैसेज, इसको भी एक बार यूज करके देखते हैं। सेव करके अब रन करता हूं। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आया है, सिर्फ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इसने पास करा है कि डिस्क्रिप्शन क्या है, हम डिवाइड नहीं कर सकते जीरो से, ओके, ये इसने डिस्क्रिप्शन दे दिया कि भाई हाँ जीरो से तुमने डिवाइड किया, इसलिए यहाँ पे एक्सेप्शन थी, ओके। सो आज की वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करना बता दिया, मैंने आपको ये बता दिया कि इसमें ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या है, ओके, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे क्या क्या डाटा स्टोर होता है इसके अंदर, और मैंने आपको मल्टीपल कैच ब्लॉक भी बता दिया, और मैंने यहाँ पे मेथड्स भी बता दिए जिनको हम यूज करते हैं किसके अंदर, कैच ब्लॉक के अंदर, ओके, कैच ब्लॉक के अंदर हम इनको कैसे कैसे इनको प्रिंट करा सकते हैं, ओके। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, तो और जो आपको ये टॉपिक है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।